अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज आपके सामने पुलाव बिरयानी की रेसिपी लेकर आए हैं। ये नमक है 1 टीस्पून, चिली पाउडर है 1 टीस्पून, हरी मिर्च है आपके सामने 1 टीस्पून ही, काली मिर्च है 1 टीस्पून ही, पिसा हुआ धनिया है 1 टीस्पून ही, आपके सामने जीरा है, 2 बादियान के फूल हैं और एक स्मॉल साइज प्याज मैंने लिया है। ये 1 टेबल स्पून मैंने पुलाव बिरयानी के का मसाला लिया है, दही है और ये ऑयल है। गाइस, ये स्टॉक मैंने निकाल दिया है मटन का। अब इसे मटन, बीफ, चिकन किसी भी उसमें आप मीट में आप बना सकते हैं। मैंने हड्डी के साथ गोश्त लिया है और मैंने अच्छे से इसे लहसुन अदरक डालकर इसका स्टॉक निकाल लिया है। ये गिलास मैंने, 1 गिलास चावल लिए हैं, मैंने आपके सामने मैन करके दिखाया है, ये देखें। अब मैंने पैन में ऑयल ऐड किया है, 1 स्मॉल अनियन जो मैंने आपको बताया है कि मैंने चॉप करके रखा हुआ था, ये देखें मैंने ये ऑयल में ऐड कर दिया है। स्लो हीट पर आपने इसे लाइट ब्राउन करना है। 2 बादियान के फूल हैं, आप इसका चम्मच मुस्तकील चलाते जाएं। ये देखिए गाइस, ये लाइट ब्राउन हो गए हैं प्याज आपके सामने। हाफ कप, स्मॉल साइज का हाफ कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि स्पाइसेस अभी डालने हैं हमने इसके अंदर सारे। ये आपके सामने मैंने 1 टेबल स्पून पुलाव बिरयानी मसाला है वो ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने जीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है मैंने इसमें, और ये गाइस 3 हरी मिर्चें वो मैंने ऐसे ही इसमें शामिल कर दी है। ये 3 टेबल स्पून दही है जो मैंने पुलाव बिरयानी के मसाले में ऐड किया है। ये 1 मिनट तक आपने इसका मसाला आप इसका भून लें सही से, आपको इसकी स्मेल खुद ही महसूस शुरू हो जाएगी कि इसका मसाला भून रहा है। ये देखें, ये मैंने 1 गिलास जो मैंने चावल आपके सामने लिए थे, ये 2 गिलास मैंने जो स्टॉक मैंने निकाला था वो मैंने इसके गोश्त के साथ मसाले के अंदर ऐड कर दिया है। ये मटन जो है ये फुल टेंडर्ड है, ये मैंने अब इसका ढक्कन कवर कर दिया है पानी में जोश आने तक। अब हम इसमें जो हमने चावल भिगोए हुए थे उसका पानी आप निकाल दें, और ये देखें, और आप इसमें चावल ऐड कर दें। जी, ये चावल ऐड हो, अब इसका आप ढक्कन से इसे कवर कर दें, और ये देखें गाइस, ये आपके सामने पानी इसका आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रहा है, ये देखें। ये फूड येलो फूड कलर है जो मैंने हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ मैं वन साइड पर, फिर मैंने इसे कवर कर दिया है, और चावल सॉफ्ट होने तक मैंने इसे दम पर रखना है। गाइस, ये नॉन स्टिक पैन है, आप इसे स्लो हीट पर ऐसे भी दम पर रख सकते हैं। अगर आप किसी आम देशकी में बना रहे हैं तो आप इसके नीचे तवा रख दें, और ना बहुत ज़्यादा स्लो रखिएगा हीट को, ना बहुत ज़्यादा हाई रखिएगा, नॉर्मल हीट पर आप इसे दम पर रख दें। गाइस, ये पुलाव बिरयानी की जो रेसिपी है ये बहुत सिंपल रेसिपी है, तमाम मसाले हमारे आम घरों में मौजूद हैं, मैंने इसे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस के साथ नहीं बनाया है, बहुत ही इजी करके मैंने आपको बताई है ये रेसिपी। ये देखें, चावल अच्छे से दम आ रहे हैं। ये देखें, अब आपके सामने से डिश आउट कर रहे हैं, चटनी के साथ, रायते के साथ, सैलेड के साथ, अचार के साथ, आप किसी भी चीज के साथ आप इसे सर्व कर लें।
बहुत टेस्टी।